नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2 नवंबर को रीट का रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्थान में हंगामा मचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि 26 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित की गई थी और 36 दिनों में कैसे ये रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट आउट कर दिया गया, जबकि 2018 में जिन भर्तियों के लिए परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो रीट परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड है भजनलाल, वो कहाँ है और कैसे उसने पेपर बेचे थे? क्या व्हाट्सएप के थ्रू ही बेचा था या और भी इसमें कई एंगल है? भजनलाल अभी तक पकड़ से बाहर है और 40 लाख से लेकर के और 3 लाख तक, चूँकि इसमें टाइम कम होता है इसलिए रेट कम होता चला गया, 3 लाख तक ये पेपर बिका था, लिहाजा क्यों ना सवाल उठे। अब 10 और 11 नवंबर पे लोगों की नज़रें हैं, क्यों? क्योंकि उस दिन हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो कौन कौन अभी तक पकड़ में आया, कौन है पकड़ से दूर, कैसे खुलेगी इसकी कड़ियाँ, सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। 26 सितंबर को हुए नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भजनलाल बिश्नोई कहाँ है अभी किसी को कुछ नहीं पता। मामले की जांच SOG कर रही है और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई लेकिन अभी कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ पाई है। जालौर का रहने वाला भजनलाल बिश्नोई कई पेपर लीक गैंग से जुड़ा हुआ है। डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है। उसने ही पृथ्वीराज को व्हाट्सएप पे पेपर भेजा था और 40 लाख रुपये में डील हुई थी। बाद में ये 40 लाख से 3 लाख तक पेपर बिका। मास्टरमाइंड भजनलाल के बाद 2 अहम किरदार हैं, बत्तीलाल और पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज को आगरा से पकड़ा गया, सवाई माधोपुर में आदलवाड़ा का रहने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में 10 साल तक नरेगा में नौकरी की है। इसने नेटबंदी के पहले ही पेपर को बत्तीलाल को व्हाट्सएप पे भेज दिया था। वो नरेगा में JEN है, उसका गत अप्रैल से सवाई माधोपुर में पोस्टिंग है। दूसरा अहम किरदार बत्तीलाल मीणा, पेपर लीक से जो खुलासा हुआ है वो उसमें उसका अहम रोल है। नेटबंदी से पहले पृथ्वीराज से जो उसने व्हाट्सएप कॉल किया था, बत्तीलाल ने 3 से 12 लाख रुपए में डील कर पेपर को आगे बेचा। पहले संजय मीणा और आशीष मीणा को पेपर भेजा। बत्तीलाल कई नेताओं का करीबी है। बत्तीलाल ने जब पेपर लीक किया तब लोकेशन जयपुर थी, इसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। अन्य किरदारों की बात करें तो इसमें देशराज मीणा, संजय मीणा, दिलखुश मीणा, कांस्टेबल देवेंद्र गुज्जर और हेड कांस्टेबल यदुवीर गुज्जर, आशीष मीणा, शिव चकेरी, रवि पागड़ी, रवि जीनापुर का अहम रोल है। जैसा कि आपने सुना, बहुत सारे इसमें लोग शामिल हैं और सिर्फ एक रीट का पेपर लीक नहीं कराते थे ये, इन लोगों का बकायदे गैंग था जो कि यही धंधा करता है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और हाई कोर्ट में अब ये मांग भी होने जा रही है, जिन्होंने रीट लगाई है भागचंद ने और उनके वकील कहने जा रहे हैं कि इस रिजल्ट को निरस्त किया जाए, कैंसिल किया जाए, क्योंकि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय कैसे मिलेगा? क्या आप उन्हें पास घोषित करेंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि अब अपनी अगली परीक्षा की तैयारी कीजिए। आखिरकार इन लोगों को इतनी जल्दी रिजल्ट जारी करने की क्या जरूरत थी? बहुत सारे सवाल है। 10-11 नवंबर पे सबकी नजर है, इधर भजनलाल पे सबकी नजर है कि भजनलाल पकड़ा जाएगा तो राज खोलेगा। इस पे हम नजर बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।